चार दिन पहले मैंने उसे पहली दफा गुलाम भट्ट के स्टोर में खरीदारी करते हुए देखा। ये सुजाता थी, क्योंकि सुजाता अपने हुस्न पर, अपने कटीले लबों पर बेहद मगरूर नजर आती थी। शायद वो चाहती थी कि मैं पहल करूं, और मैं ये चाहता था कि वो पहल करे। धीरे धीरे मुझे उससे नफरत होती गई, मगर ये जानकर तसल्ली भी हुई कि सुजाता दूसरे मर्दों के साथ भी जाती है, और उन दूसरे मर्दों में कभी मेरा नंबर भी आ सकता है। हेलो, आप यहाँ अकेली आई? बिल्कुल अकेले, शहर की गहमा गहमी से बहुत बोर हो गई। मेरा हाथ बेख्तियार उसकी कलाई पर गया। आइए ना। क्या आप मुझे पहचान गए? जी हाँ, मैं इकराम अली शाह, बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फोटोग्राफर हूँ। क्लब के बाहर शरबती रंग की जो टोयोटा गाड़ी खड़ी है, वो मुझे पिछले साल जापान की एक फोटोग्राफिक नुमाइश में अव्वल आने पर इनाम में मिली थी। और ये पोलराइड कैमरा और आइकन ज़ेविस कैमरा मुझे न्यूयॉर्क की एक नुमाइश में दूसरे नंबर पर आने पर इनाम में मिले थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आपने जिस फॉरेन लड़की को अक्सर मेरे साथ मरीन ड्राइव पर घूमते हुए देखा है, वो मार्सिया। मुझे औरत और समंदर में ज़्यादा फ़र्क मालूम नहीं होता, दोनों की शख्सियत पर उसरार है। दोनों बिलावजह तूफ़ानी हो जाते हैं, और कभी बिलावजह शांत। कभी समंदर की लहरें प्यार करने वाली औरत की तरह अपनी उंगलियों से साहिल को गुदगुदाने लगती हैं, तो कभी यही लहरें मुहिब उछाल बनकर साहिल को काटने लगती हैं। ना समंदर समझ में आता है, ना औरत समझ में आती है। शायद इसीलिए मैं इन दोनों में बहुत कशिश महसूस करता हूँ। आपने अभी जो औरत के मजमूल और बेवकूफ़ होने की बात कही, तो इस सिलसिले में मुझे एक किस्सा याद आ गया। बल्कि किस्सा क्या है, पूरा वाकया है। हम सब पहलगाम क्लब की बार के ऊंचे ऊंचे स्टूलों पर बैठे हुए औरतों की मासूमियत, अनजानपन और बेवकूफ़ी के किस्से बयान कर रहे थे, क्योंकि तीन तीन पैग अंदर जा चुके थे और हम में से कोई औरत नहीं थी। अलबत्ता मेरा ये पाँचवा पैग है। समझ में नहीं आ रहा कि वाकया कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही है। तो साहब, ये वाकया आज से चार दिन पहले का है, और अब इसे सुनाने में कोई अंदेशा भी नहीं है, इसलिए कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है। आज से ठीक चार दिन पहले मैंने उसे पहली दफ़ा गुलाम भट्ट के स्टोर में ख़रीदारी करते हुए देखा। कंधे से लटके हुए झूले में लंच बास्केट थी, और वो गुलाम भट्ट के स्टोर से मक्खन का डब्बा, फलों के डब्बे, सामन फिश का डब्बा और मुख्तलिफ टिन फूड आइटम्स ख़रीद रही थी। मैं उसे देखकर ठिठक गया।
इसलिए कि मैं पहली नज़र में उसे पहचान गया था, जैसे कि आप मुझे पहली नज़र में पहचान गए थे। ये सुजाता थी। क्या कहा आपने? आप सुजाता को नहीं जानते? हैरत है। हालांकि सुजाता का शुमार बंबई की हसीन तरीन लड़कियों में होता था। उसने फिल्मों में भी काम किया लेकिन ज़्यादा चली नहीं, इसलिए कि फिल्मों में चलने के लिए शक्ल के साथ साथ थोड़ी सी अकल की ज़रूरत भी होती है, आटे में नमक के बराबर। अब वो फिल्मों में क्यों नहीं चली ये मैं ठीक से नहीं कह सकता, इसलिए कि मेरा ताल्लुक फिल्म से नहीं है। फिर सुना कि वो हिंदुस्तान छोड़कर लंदन चली गई और वहाँ जाके उसने मॉडलिंग शुरू कर दी, लेकिन वहाँ पर भी वो ज़्यादा नहीं चली। मेरा ज़ाती ख्याल है कि यूरोपियन लोगों को ज़्यादातर यूरोपियन लड़कियों के खदोखाल ही पसंद आते हैं। फिर सुना कि वो हिंदुस्तान वापस आ गई। हिंदुस्तान वापस आकर वो किरमान एंड सन्स बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स के यहाँ किताबें बेचने लगी। मगर वहाँ पर भी उसका दिल नहीं लगा, क्योंकि खूबसूरत किताब और खूबसूरत औरत में एक तरह का बैर होता है। बल्कि यूँ समझिए कि खूबसूरत औरत खुद एक किताब होती है। जी हाँ, कई बाब में तकसीम होती है और हर सफ़े पर एक नया मसला खड़ा कर देती है। तो वहाँ पे 6 महीने किताबें बेचने के बाद उसने तौबा कर ली और अपने लिए एक शौहर ढूँढने लगी। ये सब बातें मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं एडवर्ड एवेन्यू में रहता हूँ और सुजाता आराम एवेन्यू में, जो एडवर्ड एवेन्यू से मुलहक है। एडवर्ड एवेन्यू के नुक्कड़ पर एक जनरल स्टोर था। यहां पर कभी कभार मेरी उससे मुलाकात हो जाती थी, गो गुफ्तगू की कभी नौबत नहीं आई। उस जनरल स्टोर में वो तस्वीर कशी के कागज खरीदने आती थी और मैं अपनी फोटोग्राफी का सामान। कई बार हम काउंटर पर साथ देखे गए। एक दो बार मेरी और उसकी कोनी के दरमियान सिर्फ 2 इंच का फासला रह गया, मगर उससे बातचीत की नौबत फिर भी नहीं आई, क्योंकि सुजाता अपने हुस्न पर, अपने कटीले लबों पर
वो चाहती थी कि मैं पहल करूं और मैं ये चाहता था कि वो पहल करे, इसलिए कि मैंने ये देख लिया है कि जिस माशरे में पहल मर्द करता है उसे इसका ज़रूरत से ज़्यादा ही खमियाजा भुगतना पड़ता है। और कुछ बात ये भी है कि मैं अपनी टोयोटा कार पर बेहद नाजा था और यूँ समझता था कि जिस मर्द के पास ऐसी खूबसूरत गाड़ी होगी उसका दरवाज़ा खोल कर तो किसी भी लड़की को खुद ब खुद बैठ जाना चाहिए। चुनांचे ये दिलचस्प कशमकश देर तक चलती रही। मैं उसे अक्सर मर्दों के साथ देखने लगा। वो लोग भी खुशबोश और खाते पीते चेहरे वाले थे। जब वो बार बार और जल्दी जल्दी अपने बॉयफ्रेंड बदलने लगी तो मुझे उसके अखलाक पर शुबा होने लगा। हालांकि जल्दी जल्दी बॉयफ्रेंड्स बदलना आजकल हर शरीफ लड़की का शेवा बन गया है, क्योंकि यही फैशन है। और जो लड़की इस फैशन को इख्तियार नहीं करती वो हाई सोसाइटी में नज़रों से गिर जाती है। मगर बार बार और नए नए चेहरों के बीच में एक चेहरा मैं बार बार देखता था। वो दरमियाने कद का, मजबूत बदन का, थोड़ी पर मखरूती दाढ़ी लिए हुए एक नौजवान था। किसी फौजी की तरह सीधा, किसी मेंढे की तरह गर्दन उठाए चलता था। धीरे धीरे मुझे उससे नफरत होती गई, मगर ये जानकर तसल्ली भी हुई कि सुजाता दूसरे मर्दों के साथ भी जाती है और उन दूसरे मर्दों में कभी मेरा नंबर भी आ सकता है। जिंदगी और इश्क। मैं भी बिल्कुल अकेला था और पहाड़ों पर अकेलापन बहुत खल जाता है। खूबसूरत फूल, चमकती बर्फ, बहते हुए झरने, सरगोशियां करते हुए अशजार, ये सब आपको औरतों की याद दिलाते हैं। मेरा ख्याल है कि टूरिज्म के महकमे को इस तरफ भी तवज्जो करना चाहिए। कौलगल का नाम तो बहुत बदनाम हो चुका है, अगर इसकी जगह टूरिस्ट होस्टेस का नाम रख दिया जाए तो इस तरह अपना काम भी बन जाए और हुकूमत पर बदअखलाकी का कोई इल्ज़ाम भी ना आए। क्यों, कैसी रही मेरी ये तजवीज? हेलो हेलो, आप शायद क्या बल्कि यकीनन आप एडवर्ड एवेन्यू में रहते हैं ना? जी हाँ, और आप आराम एवेन्यू में? जी, यानी कि हम दोनों हमसाए हैं। जी हाँ, आप यहाँ अकेले आई हैं? भाई, इस समर का इत्मीनान कर लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अकेली, शहर की गहमा गहमी से बहुत बोर हो गई थी तो सोचा कुछ दिन पहलगाम में जाकर अकेले गुजारूं और कुदरती मनाजिर की मुसव्वरी करूं। मैं भी यहाँ अकेला हूँ। मैं यहाँ पहलगाम की एक फोटो डॉक्यूमेंट्री तैयार करने के लिए आया हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी जरूरत होगी। वो कैसे? देखिए ना, खाली कुदरती मनाजिर की तस्वीर लेना मेरी डॉक्यूमेंट्री को घिसी पिटी बना देगा। आप मेरी मदद करें तो इन मनाजिर में एक मानी पैदा हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसके लिए खूबसूरत लड़की चाहिए। तो गोया आप तारीफ करना भी जानते। वैसे कितनी अजीब बात है कि हम कितने अरसे एक दूसरे के हमसाए रहे लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो सकी। मगर मैं तुम्हें अक्सर मादाम डाइनिस की दुकान पर फोटोग्राफी का सामान खरीदते देखती थी। मगर न जाने बातचीत क्यों नहीं हुई। कसूर दरअसल मेरा ही है। देखिए ना, इतनी हसीन और जमील लड़की के हुस्न से मरूब हो जाना कुदरती अमर है। मगर मैं तो मामूली लड़की हूँ और मगरूर तो बिल्कुल नहीं। खैर, जो वक्त वहाँ बंबई में जाया किया है उसकी तलाफी यहाँ पे हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन आपने अपना नाम तो मुझे बताया ही नहीं। मुझे इकराम कहते हैं और आपका नाम तो मैं जानता ही हूँ, सजाता। वैसे आप ठहरी कहाँ हैं? मैं मुनव्वर होटल के करीब कॉटेज बी 40 में। और आप? मैं रोज़ भी होटल के कमरा नंबर 18। अच्छा, तो मैं चलते हूँ।
अरे मेरा हाथ बेख्तियार उसकी कलाई पर गया। ऐसी भी क्या जल्दी है, चलिए ना रोजी होटल में चल के आपको एक बढ़िया सी कॉफी पिलाता हूँ। मेरा दावा है कि ऐसी बढ़िया कॉफी आपको पूरे पहलगाम में कहीं और नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर चलिए आइए ना। वो जोर से देर तक हंसती रही। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसने भी अपना हाथ मेरे हाथ में रहने दिया। मैं उसकी उंगलियों से खेलने लगा। मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें अकल रखने वाली किताबों से इतनी नफरत क्यों है? इसलिए कि मैं अक्सर देखती हूँ कि तमाम किताबों पर, हत्ता कि फलसफे की किताबों पर भी औरत की खूबसूरत तस्वीर लगी होती। अब जब किताब को औरत के सहारे के बगैर बेचा नहीं जा सकता तो ये तो अकल की बहुत बड़ी तौहीन हुई ना। अकल की तौहीन नहीं, औरत की तौसीफ है। दरअसल औरत खुद एक तरह का फलसफा है। इस किताब को खोलकर वरक दर वरक पढ़ना चाहिए। मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें फिल्मों में कैसी फिल्में अच्छी लगती हैं? ऐसी फिल्में पसंद हैं जिसमें मर्द बेवफा होते हैं और औरतें उन पर जान देती हैं, यानी कि बिल्कुल रवायती फिल्म। अच्छा तुमने मॉडलिंग क्यों छोड़ दी? वो लोग स्टूडियोस को बेडरूम में बदलने के ख्वाहिशमंद होते हैं और मैं इन दोनों जगहों को अलग अलग समझती हूँ। तुम्हारे लिए कॉफी और मंगाऊं? नहीं शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। अरे अभी कहाँ जा रही हो? चलो ना ऊपर मेरे कमरे में तुम्हें अपना फोटो एल्बम दिखाता हूँ। ये तो मुझे कहना ही था। इस बात को तो कहा ही जाता है एक ना एक वक्त, और जवाब सुनने के लिए दिल धड़कता है। मुझे लगता है तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मेरे पास वक्त ही वक्त, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कमरे में क्यों चलूं? हम लोग इन खूबसूरत पहाड़ों पर कमरों में बंद होने आए हैं। तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ है ना, मेरी टोयोटा गाड़ी। तो ऐसा करते हैं कि पहलगाम से कहीं दूर चलते हैं। मेरे जहन में एक जगह है, बहुत खूबसूरत है। दिन भर वहाँ रहेंगे, शाम को लौट आएंगे। तुम ऐसा करो कि तुम अपना कैमरा साथ ले लो और मैं अपने मुसवरी का सामान। यानी कि अगर हम एक दूसरे से उकता गए तो कम से कम हमारे पास कुछ तो करने के लिए होगा। हाँ
मेरे जहन में अचानक वो वादी घूम गई। हम दोनों फूलों के कतों पर लौटते हुए हाथ में हाथ डाले दौड़ते नाचते हुए फूलों में घिरकर एक दूसरे से लिपट कर प्यार करती हुई गर्म निगाहों में गर्म गर्म सांसों में ननी ननी सरगोशियां जो मोहब्बत के चश्मे पर बिलोरी हुबाब की तरह नाचती गाती रहती हैं और वो सब कुछ। खैर साहब, मैंने गाड़ी निकाली और पंचक्की के पुल से होता हुआ चंदनवाड़ी की तरफ बढ़ गया। हवा तेज थी और सुजाता के बाल इस तेज हवा में लहराते हुए और पुरसरार लग रहे थे। मैं जल्द से जल्द उस कुंज में पहुंच जाना चाहता था कि कहीं मुबादा सुजाता अपने इरादा तब्दील न कर ले। बड़ी खूबसूरत जगह थी, जैसा कि सुजाता ने बयान किया था। साफ शफाफ पानी, गुनगुनाती हवा, जंगली फूलों के कते कतार अंदर कतार, ढलानों पर देवदार के पेड़। बादल सफेद बतखों की तरह आसमान पर तैरते हुए और यकायक एक आदमी हमारी तरफ बढ़ा। मैंने उस आदमी को पहचान लिया था, इसलिए कि ये वही आदमी था जो सुजाता के घर आता जाता था। जी हाँ, बहुत अच्छा रहा सफर आपके साथ। इतनी देर कर दी सुजाता। सॉरी डार्लिंग, मतलब गाड़ी नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से इन्हें तैयार करके लाई हूँ। ये है मिस्टर इकराम, और मिस्टर इकराम ये है मेरे शौहर नूरशाह।
Hello, Mr. Grant. Hello. How are you? Fine. आप लंच तक तो हमारे साथ रहेंगे ना? मैंने उसकी आवाज सुनी और फिर चंद लम्हों के लिए सारी वादी मेरी निगाहों में घूम गई। नहीं, शुक्रिया। As you wish. चलता हूँ मैं। See ya. सॉरी ना आपको।